गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा फ़ोन अभी एप्पल में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ मैंने अपने फ़ोन को आईफोन की तरह कर लिया है, ठीक है। ऐप वगैरह, ये सेटिंग का आइकन, सब कुछ मैंने एप्पल की तरह कर लिया है, ठीक है। ये मैंने कैसे किया मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने ऊपर से भी मैं आपको दिखा दूँ लॉक वगैरह में आपका, ठीक है। मैंने ऐसे ये किया यहाँ पर, तो मैंने ये देख सकते हो ये सब मेरे एप्पल की तरह ही वर्क कर रहा है। साउंड वगैरह और म्यूज़िक कंट्रोल वगैरह सब एप्पल की तरह हो गया है, ठीक है। थीम वगैरह ये सब मेरे एप्पल की तरह ही हो गई है। मैंने ये सब कैसे किया है तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि ये अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप कैसे कर सकते हो एप्पल की तरह, ठीक है, वो फ्री में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने जो फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है, तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जा रहा हूँ और आपको यहाँ पर टाइप करना है iOS 40 लॉन्चर, ठीक है। सेकंड वाले को आपको मतलब इंस्टॉल कर लेना है। इसका मतलब जो रिव्यूज़ वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो, वरना मैं इसके लिंक दे दूँगा, आप इस ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, ये हमारा जब डाउनलोड हो जाए तब आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारा ये लॉन्चर डाउनलोड हो चुका है, तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा। ये हमारा अभी लोडिंग ले रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर बता रहा है कि आप इसमें से एक जो वॉल पेपर कर लीजिए सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पर एक वॉल पेपर कर ले रहा हूँ सिलेक्ट अपने हिसाब से, जैसे मैं पहला ही जो वॉल पेपर है इसे कर ले रहा हूँ सिलेक्ट, ये सेकेंड वाला। गेट स्टार्टेड पर कर दूँ क्लिक में, इसकी जो परमिशन आपको कर देनी है अलाउ, और यहाँ पर अलाउ एक्सेस का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक कीजिए, इसको जो है अलाउ कर दीजिए, परमिट ड्राइंग अदर ऐप्स, ठीक है, इसको भी आप कर दीजिए अलाउ। आईस लॉन्चर को तो मैं यहाँ पर ऐसे अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पर आप कर दीजिए फुल स्क्रीन एंड गेट स्टार्टेड। यह देख सकते हो हमारा स्टार्टिंग हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये मतलब आईस लॉन्चर में हो चुका है, मतलब एप्पल के लॉन्चर में, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे यहाँ पर इंटरफेस मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको बता रहे हैं आप यहाँ पर डिफॉल्ट लॉन्चर भी कर सकते हो जो आपके फ़ोन में पहले था, पहले ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ऊपर इसकी जो है यहाँ पर आ जाते हैं सभी लेआउट वगैरह जो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको इसे परमिशन करनी पड़ेगी, एक बार ग्रांट, जैसे मैंने एक बार कर दी ग्रांट, अब यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर पाओगे इसे, आप जो ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, और जो मतलब ऑडियो वगैरह की वॉइस यहाँ से बढ़ा सकते हो, और यहाँ पर ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया, अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर आपको iOS सेटिंग नाम का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर एक बार कर दे रहा है क्लिक, और यहाँ पर एप्पल की सारी जो है सेटिंग आ जाती है। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी यहाँ पर कंट्रोल सेंटर, अगर आपका इनेबल नहीं है तो इनेबल कर दीजिए। जैसा कि हमने आपको बता दी यहाँ पर मिल जाए कंट्रोल सेट, आप यहाँ पे जो ऐप है बड़ा और कम आसानी से कर सकते हो, आप यहाँ कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐड करना हो तो हमें यस कर देंगे, सेट कर देंगे, फिर मिल जाएगा आपका यहाँ पर असिस्टिव टच, जैसे ये हमारा है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, असिस्टिव टच, ठीक है, ये भी हमारा है, ऐसे कोई बात नहीं है। एक्स होम बार आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हो ये वाला बटन हमारा रीसेंट टास्क का, ये वाला होम का, ये वाला बैक का है, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, ये बैक का हो जाएगा, ये होम का हो जाएगा, रीसेंट टास्क का हो जाएगा, आप होम का भी रहने देते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा। सेट वगैरह भी आपको मिल जाएगी, लेकिन हमें कोई यहाँ पर कुछ नहीं करना। थीम आपको यहाँ पर मिल जाती है बहुत सारी, आप इसमें से कौन सी थीम मतलब लगा सकते हो, एप्पल की दोनों थीम मिल जाती है, हम ये वाली सेट रहने देते हैं। यहाँ पर मिल जाता है स्क्रॉल इफेक्ट, ठीक है, पहले ऐड कट कर दूँ मैं यहाँ से। स्क्रॉल इफेक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है, आप अभी हमारा ये डिफ़ॉल्ट का है, आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर सेकंड वाला कर लेना है, ये आप देख सकते हो एक्रो डीएन जो है इंग्लिश लिखी, ये आपको कर देनी है, ठीक है। आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी लगा सकते हो फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट साइज यहाँ से कर सकते हो छोटा बड़ा, टेक्स्ट साइज में यहाँ का भी मीडियम है, मैं स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पर स्मॉल में हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से कर सकते हो। अब हमने ये तो सब सीख ली, ठीक है,
ये मैंने सब सीख लिया है। ये वाला स्क्रॉल इफेक्ट भी हमारा आ गया, डायलर भी हमारा ये है, ये आ गया ठीक है। अब ये हमारा ऊपर से भी आ गया नोटिफिकेशन पहला ठीक है। अब आता ही लॉक, लॉक कैसे लगाएं, तो आईओ सेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ आपको बन जाएगा लॉक स्क्रीन, इस पर आप क्लिक कर देना है, पिन आपको कर लेनी सेट और एक पिन आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है ठीक है, और आपको डन कर देना है, बैक आ जाना है। इसमें आपको कर देना रिमेंबर माई चॉइस और आईओएस लॉन्चर ठीक है। अभी बार बार नहीं आएगा, अब मैं आपको लॉक भी दिखा दूँ इसका। ठीक है तो ये इसकी लॉक आ गई, ये सब परमिशन वगैरह इसकी आ चुकी है, आप देख सकते हो ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी सब आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। अगर बात आई कि यहाँ पर आप अपने फ़ोन पहले जैसे कैसे बना सकते हो ठीक है, तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में यहाँ पर चले जाना है, जैसे मैं अपने फ़ोन की जो है सेटिंग में यहाँ पर चले जा रहा हूँ, सेटिंग में आप यहाँ पर कहाँगी सेटिंग जी रही, आपको यहाँ पर सेटिंग में यहाँ पर चले जाना और आपको यहाँ पर मिल जाएगा होम स्क्रीन ठीक है एंड रीजेंट। आपको यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, आपको यहाँ पर आईओएस की जो है सिस्टम लॉन्चर यहाँ पर कर देना है, आपको बैक आ जाना है। अभी हमारा यहाँ से आप कर देना है सेट सिस्टम लॉन्चर, या फिर जो ऐप है आपको यहाँ से कर देना है डिलीट, तो आपको हो जाएगा। ये आप देख सकते हो हमारा पहले यहाँ से सिस्टम लॉन्चर ही आ गया ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लो।